लड़कियां भाई नंबर मांग रही थी इमिग्रेशन वाली ऑफिसर सॉरी। पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बस तो हमारी खराब होगी तो वो बोले बस वाले पैदल ही चलो। ये सर डोमिनिकन रिपब्लिक है, आगे ब्रिज पार करते ही। तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी केप हेशियन जो कि एक सिटी है हेती कंट्री में। हेती एक कंट्री है हिस्पैनियोला आइलैंड पे, जिसके बारे में आप लोग जानती हो, पिछली दो तीन वीडियोस में आपने देख ही लिया होगा। सुबह के बजे है अभी 7 और आज हमारी बस है यहाँ से डोमिनिकन रिपब्लिक की। जो हिस्पैनियोला आइलैंड है ना, बेसिकली ये पूरे कैरेबियन में सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है आफ्टर क्यूबा। और हिस्पैनियोला दो कंट्रीज में बटा हुआ है, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हेती। डोमिनिकन रिपब्लिक थोड़ी सी हेती से बड़ी है और हेती साइज में वैसे तो काफ़ी बड़ी है, और कैरेबियन आइलैंड्स को देखे तो 28,000 square kilometers इसका एरिया है, पर डोमिनिकन रिपब्लिक से छोटी है। हेती काफ़ी गरीब और बैकवर्ड भी है डोमिनिकन रिपब्लिक से कंपेयर किया जाए तो। हालांकि डोमिनिकन रिपब्लिक काफ़ी मॉडर्न है, वहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं और हेशियन क्रियोल बोलते हैं। तो बस लेके हमें 4 दिन हो गए यहाँ पे, आज हम पहुँचेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक। उधर की बस है यहाँ पे जो कैरेबियन सी के पास में जो बॉलीवुड है उस सड़क से बस मिलती है, कैरिब टूर नाम से एक कंपनी है। हमारी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सीधा जाके वहाँ पे देखेंगे, 8 बजे बस निकलती है। तो आधे घंटे में वहाँ पहुँचना है टिकट मिल जाए तो, और नहीं मिलेगी तो फिर लोकल बसों में धक्के खा के रात तक पहुँचेंगे। अगर वो बस मिल गया हमें डायरेक्टली तो हम शायद 8-9 घंटे के अंदर ही डोमिनिकन रिपब्लिक में सेंटो डोमिंगो जिधर हमें जाना उधर पहुँच जाएंगे। तो इतने नवांकुर आ रहे हैं नीचे तैयार होके, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट हमारा इसमें इंक्लूड है होटल में। ये जो जगह है ना होटल की, इतनी शांत जगह हमने कोई देखी नहीं इतनी में, इतनी शांत और इतनी खूबसूरत यहाँ से ये पूरा शहर दिखता है केप एशियन। इधर बैठते हैं, चलो आया नहीं मेरे ख्याल खाना हमारा, इतने में कॉफ़ी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हेटी में ना दरअसल टैक्सी नहीं चलती, गाड़ी होगी मोस्टली बाइक चलती है, शेड बाइक मोटो बाइक आपको लेनी पड़ती है। वो अपने इंडिया के 80-90 रुपये में 150-200 एशियन गुद में आपको छोड़ाते हैं जहाँ भी जाना हो। तो क्या होता है इधर ना, बाइक मिलते हैं पर बाइक वाला आए नहीं सुबह सुबह, बाइक सस्ता पड़ता है, हमने गाड़ी जान करके नहीं कराई है, $20 मांग लेते। तो गाड़ी इनके एक होटल में खड़ी रहती है एक दो, तो बोले हम गाड़ी में $10 में छोड़ाएंगे, बोले ठीक है चलो छोड़ दो, पास में जाना है, 5 मिनट का रास्ता है। तो बस स्टॉप पर उतर के फिर हम जाएंगे, बस लेंगे सेंटो डोमिंगो की, अगर मिल गई तो 7:30 हुए अभी, 8 बजे बस निकल जाती है, हमारी रिजर्वेशन नहीं है। इस गाड़ी में बोला पता नहीं क्यों मैं गाड़ी से उतार दिया, फिर बोला इस गाड़ी में बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग बॉस, चले खाते मीटर। ये देखो भाई ये इलाका है, आपने पिछली वीडियोस में भी देख लिया होगा वैसे तो, होटल वाला इलाका तो इतना मॉडर्न सा भी लगता है, पता नहीं जन्नत में आ गई। बाकी मतलब मोस्टली शहर ऐसा ही है, इधर तो बहुत ये देखो खड़ी डलान है और इधर स्लम्स वगैरह है सारे। बट अदर पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश हियर, यू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। By my intelligence, you know. ¿Y tú hablas español también? También. Oh. Si tú quieres, puedo cambiar. Podemos cambiar. Más lentes, por favor. Okay. Está rápido. Okay. Yeah, भाई इधर ऐसे खड़े रहते हैं बाइक वाले। ¿Haces video por YouTube? Sí. Okay. Oh yeah. ये ना बाइक वाले मतलब ये इनका इलाका है इन बाइक वालों का। जैसे कोई भी सवारी आएगी ना, बाहर से कोई बाइक आएगा तो ये बैठ आगे नहीं जाने देंगे, रुकवा देंगे, ऊपर पहाड़ी पे जाना तो इनसे बाइक लो और इन्हें पैसे दो। ये भाई इनके ऑटो से बजाज की है भाई, जो अपने ऑटो चलते हैं वही ऑटो इधर भी है और इधर लगा हुआ है जाम सा। मतलब वैसे तो कैरेबियन कंट्री है ये एक, पर एथनिसिटी की इधर बात करें तो मोस्टली लोग ब्लैक ही है, और बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि भाई यूँ नहीं लगता नॉर्थ अमेरिका में, हालांकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ता है और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका पूरे अमेरिका इसका सबसे गरीब देश है। थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मतलब और देशों में भी गए थे उनमें इतनी फील नहीं आई, इधर काफ़ी ऐसी फील आती है जैसे कि मैं अफ्रीका में, यूँ लगता है। ओनली फॉर गर्ल्स? ओह नाइस, तो सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। ये देखो सामने जो बस खड़ी है ना येलो कलर की, ये बस से मेरे को लगता है वही है जैसे सेंट्रल अमेरिका में थी चिकन बसेस टाइप, ये अमेरिका से हाँ डेस्टिनी ट्रांसपोर्टेशन ये वही है, अमेरिका की जो पुरानी बस है ना वो इधर ले आते हैं। ये देखो अभी ये खूबसूरत नज़ारा है, थोड़ा ये इनका मेन बॉलीवुड है, ये सुंदर लग रहा है। इधर से हमें कहीं से बस मिलेगी हमारी, चल पूछ के आते हैं पहले। हम इस भाई को बोले 2 मिनट हमारी वेट कर ले, हम पूछ के आ रहे हैं कि टिकट है भी या नहीं, सीट है भी या नहीं, नहीं तो हमें लोकल बस स्टैंड पर छोड़ दियो जिधर हमें लोकल बस मिल जाए। ये खड़ी बस है चलो कैरिब टूर्स, टिकट मिल तो गई नवांकुर लेने लग रहा है, इतने $80 की दो थी $40 यानी कि $40 की एक टिकट नवांकुर ले रहे, इतने मैं बैग लाता हूँ। ये ना नेट पे तो दिखा रहे कि भी 8-9 घंटे की होगी बस जर्नी,
और इन्होंने लिया $80 दो जनों की टिकट, यानी कि एक जने के $40, जो कि इंडिया के 3201 रुपये बने। मेरे ख्याल से 370-380 किलोमीटर का सफ़र होएगा यहाँ से, और पैसे या तो सिर्फ $US में लेंगे या फिर डोमिनिकन रिपब्लिक की जो करेंसी उसमें लेंगे, एशियन गोद में नहीं लेंगे या कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इनकी करेंसी तो कमज़ोर होती जा रही है हेटी की, तो एशियन गोद में पैसे ले नहीं रहे थे। ये टिकट दी और इन्होंने ना पता नहीं क्यों पासपोर्ट अपने पास जमा कर लिया हमारे। ये है टिकट भाई, पासपोर्ट नंबर वगैरह इस पे सारा डाला इन्होंने, इसके पासपोर्ट नंबर गलत डाल दिए इसका टिकट पे, और पासपोर्ट इन्होंने वहाँ पे जमा कर लिया अपने पास सारे, ऊपर स्टिकर लगा दिया किसको कहाँ जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल आगे जाके देंगे। एक ही ये ही कंपनी इधर सिर्फ बस लेनी हो तो, और कोई बस नहीं जाती, लोकल शटल वगैरह लेनी पड़ती है फिर। ये तो भाई एक टिकट और ये दे दिए इन्होंने बैग का पर्चा, डायरेक्ट सीधा कहीं रुकना नहीं है, बस बॉर्डर पे रुकेगी मेरे ख्याल, इमिग्रेशन होगी वहाँ, और पासपोर्ट हमें वहीं देंगे पता नहीं। चल चल के बैठते हैं, मेरी तो सीट 30 है, तेरी कौन सी है? 30। चल तो भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे ऐसी बस मिल सकती है, मतलब इतनी के हिसाब से तो बहुत सही बस है ना, पर दरअसल ये कंपनी डोमिनिकन रिपब्लिक की है कैरिब टूर्स, सीट हमें सही मिल गई नहीं, हर बार मुझे टॉयलेट के साथ की सीट मिलती है बसों में, मेरी किस्मत ख़राब है, आज बढ़िया सीट मिली। भाई अब आगे बस में वापस दे रहे पासपोर्ट सबके। बॉर्डर से करीबन आधा घंटा दूर होएंगे हम अभी, और रास्ते में इनके गांव वाम जो आ रहे हैं ना हेती के, मतलब इतनी सारी लॉटरी की दुकानें हैं जगह जगह, साफ पता चलता है कि ये लोग लॉटरी बहुत खेलते हैं हर जगह, मतलब या तो लॉटरी की दुकान दिखेगी, बीच बीच में कचरा भी दिखता है कोई थोड़ा टाउन सा आता है तो, बाकी फिर नेचर दिखता है, हरियाली दिखती है, फिर कोई गाँव शुरू होता है, गंदगी है थोड़ा, ये ध्यान नहीं रखते सफाई का, बाकी देखते हैं बॉर्डर के जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं तो थोड़ा सा सिटी से अलग वाइब आने लग रही है, क्योंकि ये इलाके खाली है, कोई बड़ी सिटीज़ नहीं है, छोटे छोटे गांव है। बॉर्डर से बस अब 5 मिनट दूर होएंगे हम, धूप नहीं है, बढ़िया मौसम हो रहा है, और अब सुंदर सुंदर हरे भरे खेत दिख रहे हैं। ये दिमाग में दिख रहे हैं कचरा बहुत करते हैं यार ये। आखिरी टाउन है बस, बॉर्डर आ गया, दजाबोन है ना, क्या नाम है शहर का, दहाबोन है मेरे ख्याल, डोमिनिकन रिपब्लिक का जो शहर है अभी, पर पहले उतराना पड़ेगा हमें, इमिग्रेशन वगैरह होगी, बॉर्डर पार करते ही लैंग्वेज चेंज हो जाएगी यहाँ पे, तो क्रियोल चल रही है या फिर फ्रेंच, वहाँ पे स्पेनिश है। ये है बाकी फॉर्म जो देना है हमें डोमिनिकन रिपब्लिक का, एंट्री फॉर्म जिसमें नेम नंबर पासपोर्ट नंबर वही सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह। ये भाई इधर पुलिस थाना था, और मेरे ख्याल से ये है आगे इमिग्रेशन, बस से उतर के देखेंगे, गेट खोल दिया इसने, ये आदमी पता नहीं क्या एक्सचेंज कर रहा है बस में, सारे पैसे दे रहे हमें पता नहीं क्या है, लेकिन आगे भीड़ सी है, मेरे ख्याल ये इमिग्रेशन ही होगा, क्या है थोड़ा पास चल के पता चलेगा। ये देखो भाई टॉयलेट में प्रूफ के जोने भर रखे, तो ये आदमी जो है ना बस में ये बेच रहा है डोमिनिकन पैसो, इनकी करेंसी और सिम कार्ड, किसी को डोमिनिकन रिपब्लिक का सिम चाहिए तो, हमारा सिम तो ई सिम यूज कर रहे हैं, हमारा तो सिम हम डोमिनिकन रिपब्लिक का हमने ई सिम ले रखा था, पर वो एक्टिवेट नहीं किया हमने, और हाइती का ई सिम चलना ही बंद हो गया क्योंकि सिग्नल चला गया, लेना है सिम कार्ड, पर मेरे फोन में तो सिम डलता ही नहीं, ई सिम है सिर्फ, US मॉडल है। चलते हैं भाई नीचे, इधर से भी इमिग्रेशन कराना है और आगे डोमिनिकन रिपब्लिक की इमिग्रेशन करानी है। साफ ही यार जूते तो मेरे, साफ है यार, ले साफ कर दिए। हाँ ये है भाई इनका इमिग्रेशन दफ्तर हाइती वाला, लाइन में लग रहा है हम, ये पहले डोमिनिकन रिपब्लिक का फार्म भर रहे हैं, ये फार्म इधर देना है, ये इधर तो नहीं जाना हो कुछ, हम उधर ऐसे ही जा रहे थे बस में होके जाना है, मैं भी सोचूं पैदल खुद थोड़ी जाना है, मैं बस लेके जाएगी उधर अब डोमिनिकन के इमिग्रेशन पर। बस से भाई सभी सवारी को नीचे उतार दिया, टायर में शायद कुछ दिक्कत होगी, पंक्चर आओ टिक गई है बस।
वो देखो भाई पीछे से बैठ गई, कोई उठाने लग रहा है अभी, जैक वगैरह लगा के पत्थर लगा के। और ये टायर भी देखो चाइनीज है, चाइनीज कंपनी के, चाइनीज लिखी है इन पे। ये देखो भाई पीछे से उतरी, ये तो बस भाई पीछे पड़ गई, मतलब दब गई पीछे से एकदम, और ये टूट भी गई इसके बम्पर बम्पर पीछे के। बस तो हमारी खराब होगी, तो वो बोले बस वाले पैदल ही चलो बस को ठीक करने लग रहे हैं। भयंकर भीड़ है भाई दोनों तरफ। ये तो है भाई, मैं और दवांकू डिस्कस भी कर रहे थे, ये पार्ट है ना बिल्कुल यूँ लगता ही नहीं कैरेबियन में, यूँ लगता है अफ्रीका में ही है। और मतलब चिल्लाते रहेंगे लोग फालतू में तेज तेज, आगे में नदी पार करते शायद डोमिनिकन रिपब्लिक स्टार्ट है। ये देखो ये शायद डोमिनिकन रिपब्लिक है आगे, ये ब्रिज पार करते ही। चलो भाई ये भीड़ लगी है भयंकर यहाँ तो भाई, इतनी भीड़ हो रही है यहाँ तो बहुत ज़्यादा सख्ताई सी है। उस तरफ यूँ था कोई भी बढ़ जाओ। चलो भाई आगे हम डोमिनिकन रिपब्लिक में, हमारी स्पेशल एंट्री करा दी इन्होंने शायद टूर कंपनी वालों ने, बताता हूँ बस कंपनी ने। भाई अंदर हम इमिग्रेशन में एंटर करे ना, उन्होंने फोटो खींची और एक फॉर्म सा प्रिंट करके दे दिया, इसमें बार कोड और मेरी शक्ल है। और वैसे तो यूएस वीज़ा या शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा, कनाडा वीज़ा चाहिए आपको डोमिनिकन रिपब्लिक का वीज़ा लेने के लिए, पर कुछ भी चेक नहीं किया अभी। और आगे एक और लाइन सी लगी हुई, आपने देखा ही कैसे कितनी ज्यादा भगदड़ मची हुई थी हाइती से इधर आने के लिए लोगों की, दिख रहा था कि भी लोग तड़प रहे इधर आने को। उनकी जीडीपी $2,000 से भी कम है पर पर्सन, और इधर 20,000 है, तो 10 गुना से भी ज्यादा डिफरेंस है। ये लोग उनसे 10 गुना ज्यादा अमीर देश है एक हिसाब से देखा जाए तो। लोग तड़प रहे थे इधर आने के लिए, और बहुत ज्यादा कड़ी सख्ताई थी, बंदूकें वगैरह ले रखी थी बॉर्डर पे गार्ड्स ने, पर दिख रहा था डिफरेंस कितना ज्यादा है। इधर जाके हमने एंट्री ली, इधर स्पेनिश बोलते उधर फ्रेंच बोलते थे, वो कड़ी बस मेरे ख्याल से हमारी अब ठीक होगी। बाकी सेंट्रल अमेरिका में मैंने सारा सफर किया, इतना डिफरेंस मेरे को बॉर्डर क्रॉस करते टाइम लगता नहीं था दो देशों में। और $10 जो हमारी अराइवल फीस लेनी थी, हमने डॉलर तैयार रखे थे पर हमसे लिए नहीं, मेरे ख्याल से बस की टिकट में इंक्लूडेड होंगे। आपने देखा ही था बस हमारी खराब हो गई थी, इमिग्रेशन से निकल के हम बस में चढ़ना चाह रहे थे, तो जो बस का रिप्रेजेंटेटिव, एक तो लेडी थी एक ड्राइवर है और एक और आदमी है रिप्रेजेंटेटिव, तो वो बोला कि भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा हमें, बोला कि बस हमारी खराब होगी। हम तो प्रिपेयर थे खराब हुई तो यहाँ वेट कर लेंगे क्योंकि अफ्रीका वाला हिसाब किताब लग रहा है सारा, लेकिन ये बस कंपनी डोमिनिकन रिपब्लिक की है। वो बंदा बोला हमारी बस खराब होगी, माफ करना 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगी, आप प्लीज इंतजार करो, और आपको जो इनकन्वीनियंस हो इसकी, इसके बदले मैं आपको ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा। और इनकी ना जरूर कुछ ना कुछ अलग से इनकी मदद भी कर रहे थे इमिग्रेशन वाले भी, सिक्योरिटी वाले बॉर्डर पे भी। जैसे इन्होंने बताया कि भाई हमसे पूछ रहे थे कैरिब टूर्स के साथ आए हो तो हमारी अलग से लाइन बनवा के पहले हमें निकलवा दिया। और जो लोकल लोग थे धक्का मुक्की चढ़ रही थी हेती के ना, दरअसल मोस्टली लोग डोमिनिकन रिपब्लिक जाते हैं काम करने क्योंकि हेती बहुत गरीब है, तो उधर जाके वो काम करते हैं पैसा कमाते हैं और मतलब एक लिविंग अफोर्ड कर पाते हैं, तो हमें अलग से लाइन बनवा के, टूरिस्ट हमी से और कोई आता ही नहीं इधर घूमने, तो हमें जल्दी निकलवा दिया। फिर इमिग्रेशन पे आए, इधर भी हमें अलग से थोड़ा ट्रीट करा अच्छे से, जल्दी सब हो गया। उसके बाद फिर वो इमिग्रेशन ऑफिसर से एंड में जब हमारी स्टैंप लगने लग रही थी, एक ऑफिसर अंदर से आया था, वो इंडियन पासपोर्ट देख के हैरान हो गया कि भी क्या कर रहे हो, हमने बताया घूमने आए हैं। अंदर जाते हैं मतलब वही पहले तो हमारे वीज़ा ढूंढने लगे कहाँ है शेंगेन यूएसए सब, तो मिल गए उनको भाई वीज़ा, फिर थोड़ा वेरीफाई भी करा और थोड़ा मजाक भी करने लग गए। परमवीर को देखो जिम जाने का फायदा मैं पूछ रहा था ना क्या होता है, ये होता जिम जाने का फायदा, लड़कियां भाई नंबर मांग रही थी इमिग्रेशन वाली ऑफिसर सॉरी और फिर मेरे को वो दिया एप्लीकेशन अराइवल फॉर्म जो इनको ऑफिसर, उसके पीछे मैंने नंबर लिख लिया। अरे भाई बैग चेक होंगे एंट्री के लिए, भाई नाम नाम के बैग चेक करे थे इन्होंने तो, और इन्हें पता भी नहीं कौन सा बैग चेक कराओ या सीधा लेके निकल जाओ बस में, पता नहीं। बस लाइन में लगे थे ना जब बैग चेक कराने की, तो वो वहाँ पे भी औरतें थी 3-4, उसमें से एक ने मेरे को देखा फिर अपनी साथ वाली तरफ इशारा करा, फिर वो मेरे को देख कैसे हंसने लगी सारी, मैं शर्म के बारे में मुंह नीचे कर लिया। फिर अगला नंबर मेरा ही था, मेरा बैग पे हाथ लगा बोली जाओ, कुछ देखा ही नहीं मेरा। आगे भैया वापस आगे बस में बैठ के बस लदने लग रही, दोबारा बस ठीक होगी और पासपोर्ट हमारे लौटा दिए, स्टैंप लग गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बहुत बढ़िया है यार इनकी बस सर्विस ही बताऊँ तो, मतलब बहुत प्रोफेशनल से है ये बंदे जी कैरिब टूर्स। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐसे कुछ नहीं है, मैं खुद ही रात को पता चला इस कंपनी बारे लोग सोच लेंगे इन्होंने पैसे दे रखे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, $40 थे लेकिन उसमें इन्होंने हमारी ये पैसे भी इंक्लूडेड थे, इनकी जो बॉर्डर फीस थी डोमिनिकन रिपब्लिक की। और वीज़ा ऑन अराइवल है लेकिन उसके लिए 30 दिन का वीज़ा मिला हमें, लेकिन उसके लिए आपके पास US वीज़ा होना चाहिए, UK, कनाडा, शेंगेन वीज़ा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको इंडिया एम्बेसी से बता करके वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है भाई इन वीज़ा से बिना ट्रैवल करना, अपना इंडियन पासपोर्ट बहुत कमज़ोर है, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा ही होगा हर जगह इमिग्रेशन में, मेरे पास तो सारे वीज़ा थे तब भी इतनी दिक्कत होती है, हमें निकले तो 3 घंटे ही हो गए, उस हिसाब से तो सही है। ये काम हम खुद से आते हैं ना लोकल सर्कल्स वगैरह में, तो अभी हमारे 5-6 घंटे लग जाते हैं सब क्रॉस करने में, सही है टाइम बच गया थोड़ा। भाई ये तो बस में खाना भी देंगे, ये देखो मर्सी,
अरे सॉरी, ये तो स्पेनिश ही बोलते हैं। ये चिकन है, ये चिकन है। हाँ ये चिकन, ये वाला चिकन है, ये राइट वाला, ये पता नहीं क्या है। अब है जो भी खा ले भाई, चल फ्री में ये हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। फ्री में ही है। दाल मखनी मंगा दो तेरे लिए, राजमा चावल भी। इंडियन रेस्टोरेंट पे कहते बस को रोक देगा, सेंटो डोमिंगो में तो होगा। हाँ यहाँ तो भाई तीन इंडियन थे, एक बंदा मिला इंडियन, वो कहता है कितने इंडियन रहते हैं पूरे हाइती में। पूरे हाइती में तीन इंडियन है, जिसमें से आधे तो हम ही थे भाई। मेरी मजाक वाली बात सच होगी, ये तो इसमें राजमा ही निकले तरी वाले में, और एकदम इंडियन टेस्ट आ रहा है बढ़िया। ये देखो राजमा ही निकले और ये चावल, एक तो चिल्लाते रहेंगे ये है ना सारा टाइम। भाई कितना साफ लग रहा है देख एंटर करते ही। इतना मैसिव डिफरेंस तो मैंने किसी बॉर्डर क्रॉसिंग में नहीं देखा होगा। बॉर्डर क्रॉस करती लैंग्वेज एकदम फ्रेंच से स्पेनिश तो होगी, चलो कोई नहीं वो तो यूरोप में भी हो जाती है। पर इधर भाई इतना मतलब साफ सुथरे घर, रोड वगैरह, इतना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। पहले जो लग रहा, यूँ लग रहा है कॉन्टीनेंट ही चेंज हो गया ना, यूँ लग रहा है अफ्रीका से आगे सीधा लैटिन अमेरिका में, एकदम ऐसी फील आ रही है। हालांकि ये सेम आइलैंड पे है, यूँ भी नहीं कि कॉन्टीनेंट चेंज हो रहा, तो डिफरेंस लग रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा। बिल्कुल सेम एक आइलैंड है हिस्पैनियोला, कैरेबियन सी में। ये आइलैंड दो देशों में बटा हुआ है, हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक। एक आइलैंड के अंदर ही इतना ऐसा डिफरेंस लग रहा है। अपन कई बार सोचते हैं ना कि भाई अमेरिका में, यूरोप में आसमान साफ लगता है, इंडिया में तो आसमान भी गंदा सा लगता है। आसमान तो वही है भाई पूरी दुनिया में, वो पोल्यूशन की बात है, पोल्यूशन गंदगी उस वजह से लगता है। अब जैसे इतना साफ सुथरा है तो आसमान भी साफ लग रहा है, पेड़ पौधे गंदगी सड़क पे नहीं है, सड़क बिल्कुल साफ है, तो अपने आप ही यूँ लगता है कि भाई हाँ इधर तो अलग आसमान है, ये तो अलग कॉन्टिनेंट है। पर भाई बिल्कुल वही जगह है, मतलब 5 मिनट के अंदर देखो 10 मिनट में कितना डिफरेंस आ गया। भाई इनकी जीडीपी मैंने बोला था ना 20,000 है, 20,000 नहीं है, डोमिनिकन रिपब्लिक की कम है, 10,500 है, पर फिर भी हाइती की तो 2,000 से भी कम है, तो 5.5-6 गुना मान लो हाइती से ज़्यादा है इनकी, 10 गुना तो नहीं है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और फील होने लग रहा है वो डिफरेंस। ऐसा नहीं है सिर्फ कागजों में। रास्ते में रुकी है भाई बस एक जगह, सेंटियागो दे लोस कबायरोस, एक शहर है इनका डोमिनिकन रिपब्लिक, उधर रुकी है बस। सो रहा था मैं तो नवांकुर, अभी भी सो रहा है, बस रुकी ऐसे मेरी नींद से खुल गई। 3 घंटे का और सफ़र है मेरे ख्याल आ गया अभी सेंटो डोमिंगो तक का। मेरे तो भाई पैर दुखने लग जाते हैं, बहुत देर बैठा रहूँ ना क्योंकि सीट में पैर फिक्स आते नहीं, तो मैं आ गया बाहर थोड़ा शरीर खोलने। और हेती में तो जैसे 90% से ज़्यादा लोग ब्लैक है, इधर ऐसा नहीं है, डोमिनिकन रिपब्लिक में मिक्स एथनिसिटी के लोग हैं। मतलब भाई मेरी बात बीच में रह गई थी क्योंकि बस चलने लग गई थी, तो जैसे मैंने बताया 75% ऑलमोस्ट मिक्सड हैं यहाँ के लोग, जिसमें मेस्टीजो लोग भी आ गए जो कि ऑलरेडी मिक्सड है लैटिन अमेरिकन विद यूरोपियंस, और मेस्टीज और ब्लैक से मिक्स लोग भी आ गए क्योंकि इधर ब्लैक्स ही थे इस आइलैंड पे जब आए और वो फिर मिक्स हो गए, तो मोस्टली लोग यहाँ पे मिक्स एथनिसिटी के। यूँ नहीं कह सकते कि भाई ये आदमी यूरोपियन है, ये वाइट है या ये ब्लैक है, 75% लोग मिक्सड है। उसके अलावा 17-18% लोग यहाँ पे वाइट्स हैं, उसके अलावा 8-9% मेरे ख्याल ब्लैक्स होंगे, बचे गुचे सारे बाकी जो थोड़े बहुत। फाइनली एंटर कर गया हम सेंटो डोमिंगो सिटी में। अब सेंटो डोमिंगो एक्चुअली इनकी कैपिटल सिटी है डोमिनिकन रिपब्लिक की, और ये पूरे अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सारा मिला के की सबसे पुरानी सिटी भी है, विच वॉज फाउंडेड बाय द यूरोपियंस। बाकी डोमिनिकन रिपब्लिक फेमस है अपने रिजॉर्ट्स के लिए और जो गोल्फ कोर्स है यहाँ पे उनके लिए, बल्कि अभी मेरे लेफ्ट में भी एक गोल्फ कोर्स है यहाँ से हम क्रॉस करने लग रहे हैं। और पूरे कैरेबियन में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इधर ही आते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में, सारी कंट्रीज अगर हम कंपेयर करें। ये आगे भाई हम जिधर बस लगती है कैरिब टूर्स का, और इसके हम गूगल पे रिव्यूज देख रहे थे, इसके इस जगह के 16,500 रिव्यूज है गूगल पे, और 4-5 स्टार ही थे ना मोस्टली, मतलब बढ़िया रिव्यूज थे। हम जिस तुक्का भिड़ गया मैं तो ये बस मिल गई। चलो फाइनली पहुंच गए सेंटो डोमिंगो।
ये है फ्लैग डोमिनिकन रिपब्लिक का, जिसमें ब्लू कलर का मतलब है लिबर्टी, व्हाइट कलर का मतलब है सेल्वेशन, और रेड कलर का मतलब है ब्लड, यानी कि इनके फादर्स ने जो ब्लड बहाया था उसको रिप्रेजेंट करता है इनका फ्लैग। ये है बस टर्मिनल, बसेज इधर खड़ी थी, उतर के अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। इधर तो पूरा प्रोफेशनल बना रखे इन्होंने बस टर्मिनल भी, है ना। बस स्टैंड से उतर के बाहर आ गए और इस देश में मतलब मेरे को फील आ गई, बिल्कुल लैटिन अमेरिका वाली फील आ रही है। और मतलब इतने देश घूम लिए, पता चल जाता है किसी भी देश में उतरते कि ये देश मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा। ये देश डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि एक तो सस्ता है, मैंने ऊबर वगैरह के रेट देखे, आसपास रेस्टोरेंट देखा, जो होटल कराया वो देखा, एक तो सस्ता और ऊपर से इतना डेवलप्ड है सारी चीज़ें, मतलब वही लैटिन अमेरिका वाली फील आ रही है। और आज तो पूरा दिन बस में बिता दिया, सुबह 8 बजे बैठे थे और अभी शाम के 6:30 बजे हो गए, पर फाइनली बस उतर के बस स्टेशन भी आपने देखा काफ़ी डेवलप था। अब हम एक तो लोकल इनके पैसे चेंज की करेंसी, क्योंकि हमारे पास US डॉलर है या फिर ATM है, तो या तो किसी ATM पे जाएंगे। इधर बाकी एक्सचेंज तो थी पर हमने कराई नहीं डॉलर एक्सचेंज, क्योंकि डॉलर काम आ जाते हैं हर देश में, एमरजेंसी के लिए पड़े रहेंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, उसके बाद अपने होटल जाएंगे, सामान रखेंगे, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। एक हफ्ते ज़्यादा हो गया मेरे को जिम गए। बढ़िया फील आ रही है भाई, इस देश में बहुत ही डेवलप्ड है, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मतलब वेस्टर्न अर्थ को हम दो हिस्सों में बांटे, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक वेस्टर्न, तो वेस्ट वाले पार्ट में जितने भी देश हैं उन सब में देखा जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इधर की है डोमिनिकन रिपब्लिक की। और 2014-15 में तो मेरे ख्याल 7.5 नो थैंक यू 2014-15 में तो इनकी मेरे ख्याल GDP की ग्रोथ 7.5% थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी मोस्टली लोग अपने अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रहते हैं कंपेयर कर दो, पर फिर भी काफ़ी देश है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और लैटिन अमेरिका की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है डोमिनिकन रिपब्लिक की। बिल्कुल पता लगने लग रहा है, वहाँ पे तो लोग इतना चिल्ला रहे थे हाइती में, फालतू में लोग चिल्लाने लग रहे थे। और ये चीज़ नवांकुर ने मेरे को बोली, फिर मैंने भी रियलाइज़ किया कि मैंने भी नोट कराया थी इसकी, जो ब्लैक्स के देश है ना जितने भी थोड़े पिछड़े जो देश है स्पेशली, उसमें बहुत चिल्लाते लोग भी ना, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। वो सेम चीज़ हाइती में भी थी, इधर ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी, लोग थोड़े मतलब सिविलाइज है काफ़ी। ये है ATM इधर का एक, कौन सा बैंक है, पॉपुलर है, निकलवाते इधर की कुछ करेंसी। ATM गए थे पर पैसे निकले नहीं, वो फीस बहुत ज़्यादा ले रहा था। इनकी करेंसी है बाकी डोमिनिकन पैसो, एक US डॉलर में होते हैं 56 डोमिनिकन पैसो, और एक डोमिनिकन पैसो में ऑलमोस्ट अपने इंडिया के 1.5 रुपये हो गए, 1.47 या कुछ। ऊबर ऑर्डर कर दी मैंने, बढ़िया बात है इस देश में ऊबर और काफ़ी सस्ती है इधर। ये थी भाई ऊबर हमारी, ऊबर से उतर के आगे हॉस्टल, वैसे तो 1.5 किलोमीटर था, पैदल भी आ सकते थे, पर सस्ती थी ऊबर, इंडिया के 190 रुपये में आ गए दो जने। ऊपर चढ़ के हम आ गए भाई, ये दूसरे फ्लोर पे था हमारा कमरा, ठीक है यार काम चलाऊ सही एकदम। मतलब देखो पर पर्सन हमारे तो दिन के 650-700 रुपये लगेंगे, उस हिसाब से तो काफ़ी सही आ गया, फ्रिज भी आ गया इतना बताओ। काफ़ी थके हुए लेकिन मैंने पास में एक जिम ढूंढा है, यहाँ से कुछ ही मिनट की वॉक है, मैं उधर जाऊँगा कुछ छोटा मोटा खा के। और 7 तारीख को गया था लास्ट बार, बीच में एक दो दिन मैंने खुद से ही एक्सरसाइज करी थी, और बस कुछ नहीं यार काफ़ी थकावट हो रही है। वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं यार काम में। इसके बाद मैं हम कुछ खाएंगे, मैं जिम चला दूंगा आके, शायद दोबारा खाऊं और फिर रात को सो जाएंगे। कल मिलते हैं आपसे, फिर हम एक्सप्लोर करते हैं सैंटो डोमिंगो सिटी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।